हम ऐसे ही नहीं उठ के आगे, हम एक मिशन पे हैं और हमारा ये मुहिम डिलक्स की इमदाद से ही सिर्फ पूरा हो पाएगा। तो हम जा भी जाएंगे, डिलक्स के रंग पिलाएंगे। पसु एम्बेसडर होटल की ये दीवार हम प्रेरी ग्रास रंग से सजा रहे हैं और क्योंकि ये ईजी केयर वैरायटी का है तो इस जगह को बैक्टीरिया से भी महफूज रखेगा। कीटाने यहाँ चाचानवीर तैयारियां करवा रहे हैं। We're just weighing with the scale how much everything is weighing down to. Okay. And then we might need extra porters because some people want to bring extra bags. Not me. Gonna make a good vlog. This Ronan's gotta come with us. कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर हम नहीं जा सकते और हमारे कंधों को इन चीजों के बोझ से महफूज रखने के लिए आए हैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन पोर्टर्स। दोबारा बनाना बोट का एक्सट्रीम स्प्रे सनब्लॉक Ever-Dry-Blick's के साथ। सन प्रूवन है ब्रो, सन प्रूवन। हम भी लगाएंगे। यहाँ के लोकल्स भी कह रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आपको चलते रहना चाहिए क्योंकि जो आगे जगह है वो बहुत खूबसूरत है एंड इट्स वर्थ द स्ट्रगल। आई नीड सम लिप बाम। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती है? एहसान अहमद कह रहा था कि आपने उसकी भी बैक पुल करवा दी। मैंने उनको बोला था कि लंबे लंबे सांस लें और तकलीफ हो तो फौरन छोड़ दें। मेरी थोड़ी गलती है। एहसान भाई की ना यहाँ पे नफ्स होती है ना, या पता नहीं ब्रेन, इस ब्रेन तो ये वाली होती है ना, सॉरी यार चुप पड़ गई है। 9-10 घंटे का रास्ता। जब मुझे च्युइंगम चाहिए होगी मैं यहाँ से अपना जिपर खोलूंगा और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक और अभी से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे टांगों के बीच में छिलवाड़ होने लग गया। लेकिन स्टेप वन हमेशा ही होता है कि आपको महसूस होता है कि यार ये मैंने क्या काम शुरू कर दिया और बड़ा इंटेंस है। उसके बाद जब आप थक जाते हैं, मर जाते हैं, तो आपके अंदर एक आती है चीज़ जिसको कहते हैं सेकंड विंड। क्या ख्याल है शिनमॉन? हाउ आर यू फीलिंग? नॉट बैड। और भी लोगों से आपको भी मिलाना है, पहले फर्स्ट लेग पूरी कर लो। रेत बहुत गर्म है और अथीना के पैर जल रहे हैं, बेचारी। पैरों को तो जूते बचा लेते हैं लेकिन मेरे जिस्म को आग लगने से कोई नहीं बचा सकता। Why you sitting in the sun? There's a shade up there. बर्दाश्त का मादा बढ़ाओ और आगे बढ़ो। पहले सफर पे पहुंचे हैं। यहाँ पे हम लोग पहले आए थे और 2 रात के लिए रुके थे और हमारी ना लूज हो गई थी। सबसे लेट आने वाले ट्रैवल ब्यूटीफुल पाकिस्तान के नुमाइंदे। I want custard with grapes. I am the pack leader of the wolves. Second last. Really? Thanks a lot. I feel like shit right now, but I'm sure we'll get there. You're changing your shoes? I'm changing my shoes. Yeah. मेरे तो सही चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे सारा बीबी के। ये किसका है? ये एरो का है। ये शॉर्ट स्पॉन्सर को व्लॉग बेचने के लिए ली गई थी मगर स्पॉन्सर के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए। शॉर्ट अच्छी थी, रख ली। Tomorrow morning we need to cross the glacier very very early or it's going to be this bad on the glacier. एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी नूडल कंपनी के लिए। So we have to go into the next chapter tonight. क्या ये मुश्किल मरहला लाए? नहीं, बहुत आसान है। मैंने मुश्किल बहुत इससे किया हुआ। इनको ना किसी चीज से डर आता है और ना कोई चीज लगती है मुश्किल क्योंकि ये है गैंगस्टर और ये है चंगेज जो कि है कारपेंटर। बस एक है प्यार मर्द और लकड़ी के बीच में होता है, जब समझ आता है तो समझ आता है। लकड़ी के लिए प्यार तो मैं नहीं समझता लेकिन लड़की होती तो देखा जा सकता था। Look man, it's white glacier. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बतूरा ग्लेशियर लेटा हुआ है। पिछली दफ़ा हम यहाँ तक 2 दिन में पहुँचे थे, इस बार 1 दिन में पहुँचे और अभी हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ है। टाइम 2 घंटे और हैं, 1.5-2 घंटा 1.5 घंटा और कितने घर चढ़ाई नहीं क्यों टांगा नहीं कम करती। अच्छा तो धमानला को दूध सूध पिलाया करो मुर भाई। पिछली दफ़ा ये हमारा फाइनल स्टॉप था और इससे आगे हम जा नहीं पाए थे क्योंकि सारों की बैटरी डाउन हो गई थी। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की हमें पॉटी मिली है तो जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की पॉटी हो वहाँ पे स्नो लेपर्ड होते हैं। क्या आवाज़ थी? सुना है आपकी बीवी के दिल में से नूर निकलता है और परियों के नोनों पे आग लगा देता है। ग्लोबल निकलो। किर्गिस्तान में पहुंच गए और हमारे मेंबर की बहुत हालत नाजुक थी, मजबूरी से पहुंचा दिया गया है। दुबई से जो है ये स्पेशल। तो ये ट्रैक मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक रहा है। आते साथ हमने हाथों से खाना खाया है। एक ऐसा वक्त आया था कि मुझे लगा कि हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। थोड़ी देर नैप ली और सितारे देखे हैं जो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। यार कल कोई उठने वाला है? मुझे नहीं लगता। हाँ मैं रात को यहाँ पे सोता, बड़ा मज़ा है। ओपन मॉल, खुले चाल। गुड मॉर्निंग, सब पैकिंग कर रहे हैं। तो मेरा पानी चोरी हो गया और मुझे मिला है मोरू भाई से। भाई अब सारे तेरी तरह नहीं है ना जो दान ब्रश नहीं कर सकते। ये पानी मेरे लिए इन्होंने बचाया है, तो इस पानी से तो मैं नहा सकता हूँ। बारिश हो रही है तो आप फ़ोन पे रिकॉर्ड करेंगे व्लॉग। यहाँ रास्ते पे निशानी पत्थरों के गट्ठे से लगाई जाती है और हाथ पे पानी बहती नदिया से। H2O ग्लेशियर का विद ऑल द विटामिन्स। स्पाइक टाइम, क्योंकि अब हम ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं और हमें ट्रैक्शन चाहिए होगी। सस्ते और मियारी स्पाइक्स। मिशन कह रही है कि चलते रहो और जगह कह रही है कि रुक जाओ मोरू। जाते जाते मेरे हुस्न से थोड़ी आंखें तो भर लो। Look at these ice caves. Look at this. जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो दिमाग खाली हो जाता है और आपकी सोच आपके अगले कदम तक महदूद रहती है कि एक और कदम, एक और कदम। बहराम भाई, ये जो कावा है आपने विदाउट शुगर दिया था, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी जो थकावट है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा खुल जाता है। मैं पंजाब के जो ओरिजिनल दूध होता है ना भैंस का, ये वाला, हम आपको एक और दूध पिलाएंगे, उसको फिर डाल के पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा शेक करेंगे उसको, तो वो दूध बन जाएगा। हम आप उसका पोरिज बना के देंगे। यार आपका यहाँ पे कोई भांग टाइप दूध होता है? घर में होता है ना, तो नहीं होता ना, कुछ मिलावट नहीं होती ना। केवमैन को मिलावट का कोई निशान ना मिला। तो मैंने और अमार भाई ने सबसे पहले ग्लेशियर क्रॉस किया है। अमार भाई, आपको कैसा लगा? यार बड़ा मुश्किल था। केवमैन सही कह रहा है, मुश्किल था और गलती का अंजाम मौत। Promise me if I die, you can release the footage. I don't care. I'm dead, bro. That's kind of unfair. Nah, I'm gonna come up this way. क्यों यार जिगर, ये देख, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है ना कि ऊपर क्या हो रहा है। तो इधर से जो तुम मुझे बताओ कि सब कुछ लूस है, तो मैं इसके डोटे में क्या करूँ? आराम आराम से यू करके ना देखो ये कैसा है। आप तो चले हट जाओ रास्ते से। घंटे बाद तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सुना है कि स्नो लेपर्ड ने इसको मारा है। खा लिया होगा किसी ने भाई, इन्हें यहाँ पे सजा दिया। इसे थोड़ी भयानक सी चीजें सजाने के लिए। कितनी दूर है यार। 2 दिन लगातार चलने के बाद फाइनली हमें अपनी मंजिल निगाह में नजर आ रही है। मंजिल यशबर्थ के नाम से जानी जाती है। मैं इधर 4 दिन रहूँगा, एक मिशन पूरी करनी है थोड़े आराम के बाद। थैंक यू डिलक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर होती है मोरू आउट।